बच्चों, आज के मैथ के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डीवाई बाई डी एक्स एज रेट मेजर। डीवाई बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंसिएशन एज रेट मेजर। तो क्या होता है, अब यहां से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में एंट्री कर गए हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में हम लोग आ गए हैं। इसमें इस सेक्शन में एनसीईआरटी के हिसाब से एक्सरसाइज 6 है और इस चैप्टर में बहुत ही स्पेशल चीजें हम लोग को पढ़नी है। एनसीईआरटी के थ्रू हम लोग आगे तक के चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। तो ध्यान दोगे, बोर्ड के साथ कॉम्पिटिशन निकालने के लिए वीडियो लास्ट तक देखें और क्लास के साथ जुड़े रहें। ध्यान दो बच्चों, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, हो सकता है दोनों एक दूसरा पर डायरेक्ट डिपेंड कर रहे हो या इनडायरेक्ट डिपेंड कर रहे हो। हो सकता है एक्स टाइम के साथ डिपेंड कर रहा है और वाई भी टी टाइम के साथ डिपेंड कर रहा है। तो अगर चेंज इन एक्स इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, टाइम इंटरवल डेल्टा टी में एक्स में चेंज जो हुआ वह डेल्टा एक्स हो गया, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को हम क्या कहेंगे, तो चेंज इन एक्स बाई टाइम इंटरवल। अगर इसी को हम टाइम इंटरवल को लिमिट बहुत छोटा कर दे तो यह इंस्टेंटेनियस चेंज दे देगा, किसी पार्टिकुलर टाइम पर चेंज दे देगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। और इसका वैल्यू आया क्या, तो डीएक्स बाई डीटी, मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? उसी प्रकार डीवाई बाई डी टी क्या होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और डीवाई बाई डी एक्स को हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ चेंज डीवाई, देखो डीवाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं डीवाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, इस तरह लिख सकते हैं। इसे हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। तो इस टर्म को डीवाई बाई डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो थोड़ा सा थ्योरी था बच्चों, एक्स वाई वेरिएबल थे, एक्स और वाई टाइम पर डिपेंड कर रहे थे, तो डिपेंड कर रहे हैं तो अगर टाइम बदलेगा तो एक्स बदल जाएगा डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को चेंज इन एक्स बाई टाइम इंटरवल कहेंगे, इसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स भी कहते हैं। और अगर इंस्टेंटेनियस चेंज निकालना, क्षणिक चेंज निकालना हो तो हम डेल्टा टी टाइम्स टू जीरो लिख देंगे। तो डीएक्स बाई डी टी को रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कहते हैं, डीवाई बाई डी टी को रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कहते हैं, और डीवाई बाई डी एक्स को डीवाई बाई डी टी बाई डीएक्स बाई डी टी कहते हैं। तो ऊपर मिला रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई और नीचे मिला रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, तो डीवाई बाई डी एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहा जाता है। जो बच्चे स्टार्टिंग से क्लास को देख रहे हैं, पीछे के चैप्टर एक्सरसाइज 5 को देखे होंगे, तो वह जानते होंगे कि एनसीईआरटी पूरा बनाने के साथ आगे के चीजों को भी पढ़ाया जाता है। तो एक बच्चा बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ कंपटीशन का तैयारी कर लेगा बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए हुए। तो ध्यान पूर्वक समझना है, अभी हम आज एनसीईआरटी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जो इसमें बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है, नॉर्मल से सवाल दिए हुए हैं, इसे जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम आगे अच्छे सवाल को भी बताएंगे।
तो एक्सरसाइज 6.1 में पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है बच्चों कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है। अगर रेडियस जो है आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, तो ध्यान दो बच्चों, अगर एक सर्किल होगा उसका एक रेडियस होगा, उसका कुछ एरिया होगा, तो आर मान लिया गया रेडियस ऑफ सर्किल है, ए मेरा क्या है तो एरिया ऑफ सर्किल है। समझना ध्यान से, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी हमें चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है, मतलब dA बाई dr निकालना है इफ r बराबर 3 सेंटीमीटर हो। तो हमें dA बाई dr निकालना है, तो क्या एरिया में और रेडियस में कोई डायरेक्ट रिलेशन है दिए हुए फिगर के लिए? दिया हुआ फिगर है क्या, तो सर्किल, एरिया बराबर मेरा क्या फॉर्मूला होता है, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहां डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो dA बाई dr पाई कॉन्स्टेंट d बाई dr आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 2r आ गया, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में पाई इंटू 2r आ गया। तो व्हेन r बराबर 3 सेंटीमीटर dA बाई dr बराबर आया पाई इंटू 2 इंटू 3 मतलब 6π सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर। तो इस तरह के छोटे सवाल आते हैं, इसमें देखो लैंग्वेज पढ़ोगे ना, यही मेन चीज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी हम dA बाई dr हमें निकालना है, r बराबर 3 सेंटीमीटर पुट करना है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर पता है, dA by dr निकाल लिए, मेरा आंसर आ गया। तो इसे बाबू नोट कर लोगे। और एक बात और कि आसान सवाल या टफ सवाल हमें घड़बड़ाना तो है नहीं, हमें कंप्लीट पैकेज ऑफ पढ़ाई पढ़ना है, इसलिए ध्यान पूर्वक वीडियो से हमेशा जुड़े रहना है। ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजेज एट रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, हाउ फास्ट एरिया इंक्रीजेज व्हेन लेंथ ऑफ एज 12 सेंटीमीटर है। ध्यान दो बच्चों, एक क्यूब है, क्यूब इस प्रकार का फिगर होता है बच्चों, इसमें तीन चीजें क्या यूज हुई है, तो पहला ए साइड ऑफ क्यूब है, ए मान लिया गया सरफेस एरिया है, और भी मान लिया गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। इंफॉर्मेशन किसके बारे में दिया गया है, तो वॉल्यूम के बारे में दिया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम बदलने का रेट हम क्या बोलेंगे, तो डीवी बाई डीटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम डीवी बाई डीटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स को क्या कहते हैं, डीएक्स बाई डीटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम को क्या कहेंगे, डीवी बाई डीटी। क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक,
अब यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है तो इसके आधार पर भी बराबर ए का क्यूब होता है। किसी भी क्यूब में वॉल्यूम बराबर साइड का क्यूब होता है। तो यहाँ डी वी बाई डी टी लिखेंगे, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वी बाई डी टी तो सही है बच्चों, लेकिन ए क्यूब का डिफ्रेंसिएशन ए के रिस्पेक्ट में होगा तो यहाँ डी ए बाई डी टी लिख देंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो डी वी बाई डी टी यहाँ पे है और ए क्यूब का थ्री ए स्क्वायर डी ए बाई डी टी लिखेंगे। डी वी बाई डी टी की वैल्यू 8 दी हुई है हमारी, थ्री ए स्क्वायर डी ए बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड जो आया वह 8 बाई थ्री ए स्क्वायर आया। ठीक है बच्चों, यह रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड है, ये हम क्या माने हैं साइड ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब। हमें निकालना क्या है पहले बात समझो, हमें निकालना है हाउ फास्ट एरिया इंक्रीजेज टू फाइंड, हमें पाना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, तो हमें निकालना है डी ए अपॉन डी टी, यह निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला 6a² होता है क्यूब का, किसी क्यूब का एरिया टोटल एरिया जो होता है टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 6d बाई डी टी ऑफ ए स्क्वायर, तो 6d बाई डी ए ऑफ ए स्क्वायर डी ए बाई डी टी, ए स्क्वायर का हो गया 2a और डी ए बाई डी टी 12a, डी ए बाई डी टी का वैल्यू आया 8 बाई थ्री ए स्क्वायर, डी ए बाई डी टी का वैल्यू यहां से लिख दिए, ए से ए कैंसिल हो गया काट ऑफ 4 हो गया 32 बाई ए आ गया। जब ए बराबर 12 सेंटीमीटर रखना है उस समय एरिया में इंक्रीजिंग रेट निकालना है, इफ ए बराबर 12 सेंटीमीटर तो डी ए बाई डी टी मेरा आ गया 32 बाई 12 काटोगे 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का सेकेंड। यह एक थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया जिसमें हमें एरिया में चेंजिंग रेट निकालना था, मतलब हमें डीए बाई डी टी निकालना था। तो हम अगर यहां से स्टार्ट करते हैं तो यहां पे लाके अटक जाते कि डीए बाई डी टी तो पते नहीं है, पता तो डीवी बाई डी टी है, तो डीवी बाई डी टी यूज करके उससे हम डीए बाई डी टी पहले ही निकाल चुके और उससे हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ा लिए। एक स्क्रीन शॉट लेकर थोड़ा सोचते हुए क्वेश्चन को बनाओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ के क्या गिवन है, क्या निकालना है, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। तो हर एक क्वेश्चन को लिखो, देखो, वीडियो तुम लोग के पास मौजूद रहता है, बार 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 चीजों को पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझोगे पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा और तुम 100 मार्क्स लेके आओगे। ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन है रेडियस ऑफ सर्किल इंक्रीजेज एट रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाउ फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया इफ रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है। तो कुछ गिवेन है और कुछ निकालना है, दिमाग लगाया क्वेश्चन बनाना है, आराम से समझोगे। तो एक सर्किल है बच्चों, सर्किल आराम से बना दिए, सर्किल का कुछ रेडियस है, एरिया है, आर बराबर हम मान लिए रेडियस ऑफ सर्किल, ए मान लिए एरिया ऑफ सर्किल। ठीक, गिवन क्या है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस, रेडियस बढ़ने का रेट दिया है, किसी चीज के बढ़ने का रेट तो डीए बाई डी टी, डी आर बाई डी टी लिखते हैं। पर अगर हमारा एक्स के चेंज होने का रेट देता है तो डीएक्स बाई डी टी, वाई के चेंज होने का रेट देता है तो डीवाई बाई डी टी,
और रेडियस के चेंज होने का रेट है तो डी आर बाई डी टी क्या गिवेन है तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टू फाइंड हमें पाना क्या है तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, इंक्रीज ऑफ एरिया मतलब निकालना है डी ए अपॉन डी टी इफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हो, मतलब रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर जब होगा उस समय रेडियस एरिया का चेंजिंग रेट हमें निकालना है। अब सोचो यह एक सर्किल है, इसका रेडियस बड़ा होते जाएगा तो एरिया भी तो बड़ा होते जाएगा, रेडियस बड़ा होगा तो एरिया भी बड़ा होगा, रेडियस और एरिया एक दूसरा से डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं, तो अगर एक का चेंजिंग रेट पता हो तो दूसरा का भी चेंजिंग रेट हम निकाल सकते हैं। डायरेक्ट रिलेशन है पाई आर स्क्वायर का, सर्किल का भाई एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। डिफ्रेंसिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पाई कॉन्स्टेंट है डी बाई डी टी आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर है तो डी आर लिख दिए आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी, पाई लिख दिए 2R dr by dt। तो आगे बढ़े तो पाई इंटू 2 और R की वैल्यू है 10, dr by dt की वैल्यू है 3, तो आ गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यार dr by dA by dt है कब, जब R के जगह 10 सेंटीमीटर हम पुट किए। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल भी आते हैं, छोट जनरली आजकल तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने लगा है बोर्ड में, तो इस तरह के सवाल भी पूछ देते हैं ऑब्जेक्टिव मेट मार्क्स का। कारण देखो, आर के बारे में डी आर बाई डी टी दिया है, आर दिए दिया है और डी ए बाई डी टी निकालना है। इसे भी एक स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लोगे। देखो अगर वीडियो फॉलो कर रहे हो तुम, पूरा मैथ आराम से हम ही बना रहे हैं, हर चीज तुम जान जाओगे सीख जाओगे इसका गारंटी है बच्चों। ध्यान, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक क्यूब है, साइड ऑफ क्यूब इंक्रीजेज एट रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट वॉल्यूम इंक्रीजेज इफ साइड बराबर 10 सेंटीमीटर दे दिया। तो देखो क्यूब दिया है बच्चों, लेट कर रहे हैं ए बराबर साइड ऑफ क्यूब है, वी बराबर दे दिया गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक, क्यूब में कोई क्यूब बनाओ घन बनाओ तो उसमें बच्चों तुम्हारे साइड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। साइड बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, साइड बढ़ रहा है किस रेट से तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। तो गिवन डाटा क्या है मेरा, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ साइड ऑफ क्यूब मतलब हमारा डी ए बाई डी टी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब डीवी बाई डी टी निकालना है कब, जब साइड के जगह 10 सेंटीमीटर दिया है। तो देखो एक चीज का चेंजिंग रेट दे दिया रहता है और दूसरा चीज का चेंजिंग रेट निकालना रहता है, और कब निकालना है कौन किस इंस्टेंट पर निकालना है यह भी दिया हुआ है। तो क्या डायरेक्ट रिलेशन है तो लिखो है एक क्यूब, वॉल्यूम ए का क्यूब होता है, अब डीवी बाई डी टी ने निकालना है तो डिफ्रेंसिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंसिएशन होगा। ए क्यूब यहाँ ए वेरिएबल है, साइड बदल रहा है, कोई कांस्टेंट ए नहीं है। डी बाई डी ए क्यूब डी ए बाई डी टी, कभी भी पावर का डिफ्रेंसिएशन करना होता है तो पावर साइड में पावर में कम करते हैं, लेकिन कब होता है जिस पर पावर है वह विथ रिस्पेक्ट टू में हो। अब यहाँ पे यह वैल्यू हमको आ गया तो एट ए बराबर 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ए तो वेरिएबल है, ये तो बदलते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, लेकिन हमें आंसर निकालना है कब, जब ए 10 सेंटीमीटर हो, तो उस समय डीवी बाई डी टी क्या मिला तो 3 × 10 का स्क्वायर और 3, क्योंकि डीए बाई डी टी का वैल्यू
3 है, गिवन है 900 सेंटीमीटर का क्यूब पर सेकंड। तो इस तरह के सवाल भी हम लोग को मिलते हैं, उम्मीद है बच्चों इस तरह के सवाल तुम जरूर बना लोगे। इसमें देखो सोचना पड़ेगा कि एक चीज का चेंजिंग रेट, दो एक चीज का बदलने का रेट दिया है, दूसरा के बदलने का रेट निकालना है, और दोनों के बीच में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन जरूर होगा। ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक हम लोग लेक में, पॉन्ड में, तालाब में हम एक स्टोन ड्रॉप कर दिए, तो इस तरह से वेव क्रिएट होने लगा, तो वेव आगे बढ़ते जाएगा, वेव बढ़ने का स्पीड दिया है, स्पीड ऑफ वेव दिया है, क्या दिया है तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक। और करा फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, चेंज ऑफ एरिया ऑफ एरिया इफ रेडियस बराबर 8 सेंटीमीटर होगा, जब रेडियस 8 सेंटीमीटर होगा उस समय रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है एरिया। देखो यह क्वेश्चन में बोल दिया है कि सर्कुलर वेव क्रिएट हो रहा है, तो आर बराबर, लेट आर बराबर रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव किसी इंस्टेंट पर, किसी इंस्टेंट पर सर्कुलर वेव जो क्रिएट हो रहा है उसका रेडियस आर, और एरिया ऑफ सर्कुलर वेव हम लोग मान लिए किसी इंस्टेंट पे, जो दोनों वेरिएबल है। देखो वेव इस तरह ट्रांसमिट करता है, वेव इस तरह से बढ़ते जाता है, तो वेव बढ़ रहा है तो वेव बढ़ने से का स्पीड दिया है, वेव बढ़ने का मतलब रेडियस के बढ़ने का रेट दिया है, स्पीड ऑफ वेव एक्चुअली है क्या तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है, क्योंकि वेव बढ़ेगा तो रेडियस ही ना आगे बढ़ते चला जाएगा, तो वेव का बढ़ना मतलब रेडियस का बढ़ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस मेरा दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस dr / dt कहते हैं, यही स्पीड ऑफ वेव होगा, और उसका वैल्यू क्या है बच्चों 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया अगर r जो है 8 सेंटीमीटर है, तो एरिया बराबर आ गया पाई आर स्क्वायर, क्लियर है बच्चों, एरिया लिख दिए पाई आर स्क्वायर। देखो एक चीज के चेंजिंग का रेट दिया है, दूसरा के चेंजिंग का रेट निकालना है, यानी dA / dt निकालना है, तो डायरेक्ट रिलेशन है, तो यस है, लिखो dA / dt डायरेक्ट कर देते हैं, पाई इंटू टू आर इंटू डी आर बाई डी टी, सभी वैल्यू दिए हुए हैं, पाई इंटू टू आर का वैल्यू 8 और डी आर बाई टू डी टी 5। तो इस तरह से एनसीईआरटी में सवाल के रेंज को तुम देख रहे हो, बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही एवरेज सवाल होते हैं, इसमें तुम नोट करते जाओगे, फेयर बनाते जाओगे। देखो यह सब चीजें आसान चीजें हैं, लेकिन जरूरी है, क्योंकि बेस नहीं रहेगा तो बड़े चीजों को पढ़ भी तो नहीं पाओगे और टाइम भी तो नहीं लगता है बच्चों। एक क्लास होता है, बहुत सारे सवाल हम बना देते हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो थ्योरी को समझने के लिए भी प्रॉब्लम समझ लो कि हम एनसीईआरटी समझ के थ्योरी को क्लियर कर रहे हैं, तब हम इसको बाकी बड़े चीजों में यूज करेंगे। तो ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल इंक्रीजेज एट रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस हिंदी होता है परिधि, तो अगर कोई सर्किल का रेडियस बड़ा होगा तो उसका परिधि 2πr भी तो बड़ा होगा। तो देखो लेट r बराबर रेडियस और c बराबर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, ऑफ सर्किल, क्लियर है बच्चों। गिवन क्या है, डायरेक्ट लिख रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस dr / dt 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टू फाइंड, पाना क्या है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया सर्कमफेरेंस dc / dt।
एक के चेंजिंग का रेट दिया है और दूसरे के चेंजिंग का रेट हमें निकालना है, तो क्या उनके बीच एक डायरेक्ट रिलेशन मेरे पास है? यस है। क्या है? तो C इज इक्वल टू 2πr। तो dc बाई dt, 2π तो कांस्टेंट है, dr बाई dt 2π और 0.7। आगे सोल्व करना होगा तो इसको 22/7 या 7/100 लिखकर आगे सॉल्व कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल x लेंथ है और y उसका विड्थ है। रेक्टेंगल के बारे में दिया है कि लेंथ x डिक्रीजेज एट रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी गिवेन है dx बाई dt 5 सेंटीमीटर पर मिनट। सिंस डिक्रीज है इसलिए माइनस लगा देते हैं, क्योंकि x घट रहा है तो माइनस लिखिए। फिर दिया हुआ है बच्चों विड्थ जो है y, इस रेक्टेंगल का जो विड्थ है y इंक्रीजेज एट रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक, तो यानी कि हमारा dy बाई dt y के बदलने का रेट दिया है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो बताना है कि इसके जो पेरीमीटर है उसके बदलने का रेट। ठीक, तो लेट p बराबर अगर हम पेरीमीटर माने, ठीक, तो देखो x के एक रेक्टेंगल में x दिया है y दिया है, x के बदलने का रेट दिया है y के बदलने का रेट दिया है, तो पेरीमीटर का डायरेक्ट फॉर्मूला 2x प्लस वाई होता है। एक रेक्टेंगल के लिए पेरीमीटर होता है 2 ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, तो dp बाई dt लिखेंगे तो ट्वाइस dx बाई dt प्लस dy बाई dt, dx बाई dt माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1 आ गया, माइनस 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी पेरीमीटर भी डिक्रीज करेगा और कितना से, तो 2 सेंटीमीटर पर मिनट से। तो पेरीमीटर डिक्रीजेज एट रेट 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसमें डाटा निकालने से पहले x और y भी दिया है इंस्टेंटेनियस, कि किस टाइम निकालना है, तो x जब 8 हो और y जब 6 हो। एरिया का भी बदलाव पूछ रहा है कि एरिया किस रेट से बदलेगा। तो देखो बच्चों, कुछ के बदलने का रेट दिया है और कुछ के बदलने का रेट, कुछ के चेंज होने का रेट निकालना है, तो जिसके बदलने का रेट दिया है और जिसका निकालना है उनके बीच कोई रिलेशन है, तो है। एरिया बराबर है x इंटू वाई, डिफ्रेंसिएशन करोगे dA बाई dt तो y इंटू dx बाई dt प्लस x इंटू dy बाई dt। क्लियर, y के जगह पर 6 है, dx बाई dt है माइनस 5, x के जगह 8 है और dy बाई dt का वैल्यू 4 है। सोल्व करोगे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, तो एरिया बढ़ेगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के रेट से। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हमारे होते हैं। तो बहुत ही नॉर्मल सा आज क्लास हम तुम लोग को दे रहे हैं। इस क्लास में तुम देख रहे हो कि इसमें कोई भी आज स्पेशलाइजेशन नहीं है। स्पेशलाइजेशन या एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट किए, 1 से 8 तक क्वेश्चन आज घर पर तुम लोग बनाना, 1 से 8 तक, और नोट्स बना के तैयार रखना। मिलते हैं अगले क्लास में, इसी चैप्टर को कम्प्लीट करेंगे अभी, और उसके अगले क्लास में अदर्स बुक से क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहो बच्चों।